हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान से सुनना। जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है कि भी मेरा चैनल शायद ये हैक हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार कोई ना कोई मेरे चैनल पर लॉगिन कर रहा है। इसका मतलब ये कि उसको मेरी इस चैनल की आईडी भी पता लग चुकी है और पासवर्ड भी पता लग चुका है। पर क्योंकि एक रूल होता है गूगल का कि भी वो उन डिवाइसेस में एक वेरीफाई के लिए एक मेल भेजता है, एक नोटिफिकेशन भेजता है कि अगर आप उसको यस करोगे तो मतलब वो वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो हम तो वो कर नहीं रहे लॉगिन, पर लगातार आ रहा है, दिन में 2-3 बार अटैम्प हो रहा है। पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है, दिन में 1-2 बार या 2-3 बार वो कोई भी कहीं से भी हमारे YouTube चैनल पर लॉगिन कर रहा है। अगर मैंने उसको यहाँ से यस कर दिया तो वो उसके पास मेरे अकाउंट का सारा कुछ डिटेल चले जाएगा और फिर वो पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कर लेगा। ठीक है, पासवर्ड उसको ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है, तो वो हम अपनी डिवाइस से लॉग आउट हो जाएंगे, फिर हमारे हाथ से ये चैनल निकल जाएगा। तो अभी शुरू में मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, मैंने कहा हो सकता है बाई चांस ऐसा हो गया हो, पर हम उस पर अलर्ट थे उस चीज़ को लेकर के। पर कल भी 3-4 अटैम्प हुए, आज भी 2-3 अटैम्प हुए, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाता है, मान लो मैं उसको रोकने में नाकामयाब हो जाता हूँ और ये ऐसा हो जाता है, तो जो मेरे बाकी के जो चैनल हैं, जैसे मैंने कसिनो को लेके एक चैनल बनाया मनी इज़ नथिंग, तो वहाँ के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मैं अपना अगला जो भी मेरा वीडियो होगा या कुछ आपको तक मैसेज पहुँचाना होगा वहाँ के थ्रू पहुँचा सकता हूँ। या मेरे जो दोनों बेटियों का चैनल है, शोना का है सान शर्मा के नाम से और पहल का है पहल क्रिएशन के नाम से, उन चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब उन्होंने वो चैनल भी सब्सक्राइब करा हुआ है और बीच बीच में कभी देखते हैं, तो वो एक जरिया है। और अगर हम किसी अलग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे मेरा इंस्टाग्राम का एक चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है राकेश साइक्लिस्ट, तो बहुत सारे लोग मेरे से वहाँ पे पर्सनल चैट करते हैं, मतलब अगर जैसे किसी को कोई बात करनी है, मुझसे कोई बात शेयर करनी है, तो वो इंस्टाग्राम आईडी पे आके करते हैं। और फेसबुक का तो मालूम ही है कि भी फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो राकेश शर्मा के नाम से या एस्ट्रो राकेश के नाम से भी मिल जाएगा। तो बाकी इस वीडियो के नीचे मैं अपने सारे वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो चैनल हैं उनके लिंक दे दूँगा। पर ये बड़ा शॉकिंग है और ऐसा होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि क्या होता है जिन चैनल के मोनेटाइजेशन ऑन होते हैं ना, मतलब जिन चैनल पर ऐड चलती है, जिन चैनल से रेवेन्यू आ सकता है, वो चैनल 15-20 हज़ार से बिकने शुरू हो जाते हैं। मतलब आप किसी का भी चैनल हैक करो और उसको अपना बना लो, उसके मालिक बन जाओ और अब जा करके उसको बेच सकते हो किसी दूसरे को, क्योंकि लोग दीवाने हुए पड़े कि यूट्यूबर बनना है, अब उनके पास इतना पेशेंस है नहीं कि अपनी मेहनत से वो कोई 200-400-500 वीडियो डाल के और एक साल के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम जनरेट करे, क्योंकि 365 दिन में 4,000 घंटे का वॉच टाइम, मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा, तभी वो आपका चैनल जो है वो आपको रेवेन्यू देने के लायक होगा। तो आजकल हर एक को जल्दी स्टार बनना है तो इसलिए डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे लोग करते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया, किसी ने मेरे को बोला कि भी आप यहाँ आओ, इस एड्रेस पे आओ, हम आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं, हम आपको सम्मान देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जब मैंने उसको मना किया, इंटरटेन नहीं किया, तो फिर वो गाली गलौज पे उतर आया, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला था, फिर उसने माफ़ी मांगी तो मैंने वो वीडियो हटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरा ये वीडियो फटाफट जल्दी से बनाने का यही मकसद था कि मतलब आप अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप मेरे को बाकी सोर्सेज से, अपना ये काम तो रुकेगा नहीं, पर थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर काम चलता रहेगा, तो दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरे चैनल से वहाँ के थ्रू आप लोग मेरे को मिल सकते हो। और आज की डेट में किसी को ढूंढना तो कोई मुश्किल काम है नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ सीरियसली देखना और कमेंट करके बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।